नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अब ये हालात आ गए हैं दुनिया भर में जो बिडिंग्स हो रही हैं। अभी इंडिया में एहतिशाम साहब जो पिछले हफ्ते में बिडिंग हुई है, उन्होंने एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा कोई 750 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए इंटरनेशनल बिडिंग मंगवाई और एक स्वीडन की कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी, उसने कहा कि हम आपको रोशन आपको शमसी तवानाई बना के देंगे और वो कोई 2 रुपए और 97 पैसे इंडियन रुपए, पाकिस्तान में वो आ जाएंगे 5 रुपए और 19 पैसे फी यूनिट की वो बिजली बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बिड कर दिया, उनकी बिड एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आप 5 रुपए 19 पैसे पाकिस्तानी रुपयों की वो एक यूनिट बिजली शमसी तवानाई से बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने जब कायदे आजम सोलर पार्क जो हमारा बना है वो कुछ अर्सा पहले बनाया है, ये अब बिड आई है, लेकिन वहां पर आप हैरान, मैं खुद हैरान रह गया कि जो हमने रेट दे रखा है चीनी कंपनी को वो 14 रुपए और 85 पैसे, मुकाबलतन 5 रुपए 19 पैसे पाकिस्तानी रुपीस जो इंडिया में अब मिल रहा है। चले थे सिलकत अहमद लेने, बेगम की सलवार भी गिरवी रख आए। अब हालत यह है कि बेगम मुल्ला के पीछे छुपकर चलती है और मुल्ला जालीदार टोपी लगाए घूम रहे हैं, यानी मामला इतना टाइट हो गया है कि बेगम का हिजाब और मुल्ला का हिजाब ही लापता है। दरअसल चूना एक बार लगे तो समझ में आता है, पर चूने के ऊपर चूना लगाने की कला चीन से सीखी जा सकती है, जिसने पाकिस्तान को चूना लगाने के कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। कोरोना महासंकट के बीच चीन ने अंडरवेयर के मास्क और प्रेगनेंसी टेस्ट किट देकर जो चूना लगाया उससे मदरसा पैदाइश अभी उबर भी नहीं पाई थी कि चीन की एक और बड़ी चालबाजी सामने आ गई। चीन ने इस बार चाइना पाक आर्थिक गलियारे के जरिए पाकिस्तान को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। यह लूट इतनी बड़ी है कि कंगाल पाकिस्तान के लिए इसे सहन कर पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट में चीनी बिजली कंपनियों की लूट का खुलासा हुआ है। चीनी कंपनियों ने चुपके से बिजली का दाम बढ़ाकर मुल्ला का तहमंद और बेगम का सलवार दोनों उतार लिए। इन कंपनियों ने बिजली बिलों की आड़ में पाकिस्तानी नागरिकों से इच्छित पैसे वसूल किए। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें चीनी कंपनियों ने पिछले 8 माह में लगभग 60 अरब रुपए की लूट की है, यानी मदरसा पैदाइश चीन को पिछवाड़ा दिखाती रही और चीन अपना काम कर गया। अब हालत यह है कि पाक के मुल्ला तबेले की भैंसों से अंडा देने की फरियाद कर रहे हैं, यानी एक तो तब्दीली का खुमार, ऊपर से चीन के चूने का चमत्कार। दरअसल $62 करोड़ की लागत से बनने वाले चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए कई चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में निवेश किया है, जिसमें बिजली कंपनियां भी शामिल हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई का काम करती है। हाल ही में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर इमरान लोंडे से शिकायत की थी, जिसके बाद इमरान ने कमेटी का गठन कर इसकी जांच के निर्देश दिए थे। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में चीन की प्राइवेट बिजली कंपनियों ने जमकर लूट मचा रखी है। सीपैक के तहत स्थापित हुआनेंग संडिग रुई एनर्जी और पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड ने चुपचाप अपनी लागत को बढ़ा दिया और उपभोक्ताओं से भारी बिल वसूल किए हैं, जिससे कंपनियों ने कुछ ही महीनों में अरबों रुपए कमा लिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान के लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि उनका आर्थिक रूप से उत्पीड़न करने के लिए सहायता कर रहा है। हालांकि कमेटी ने अपनी जिस 278 पन्नों की रिपोर्ट को पेश किया है उसे चीन ने बकवास करार दिया है। उसने कहा है कि इसकी जगह रद्दी के टोकरे में होनी चाहिए, बिजली महंगी पड़ेगी तो बिजली महंगी ही बेची जाएगी, यानी पाकिस्तानी से भी तरबूज की दुकान समझ रहा है, पर चीन ने उल्टा उसे ही लताड़ लगा दी है। मजे की बात यह है कि चीन की झिड़की के बाद सेना प्रमुख और सीपीसी के अध्यक्ष जनरल बाजवा ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, यानी मुल्ला का हिसाब लाजवाब हो गया है। पर मामला यहां तक नहीं है, चीन के कर्ज में आंखें डूबा पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह चीन के दबाव में आ चुका है, जबकि कोरोना महासंकट में दुनिया के निशाने पर आए चीन को अब अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के तबके के छिनने का डर सता रहा है। अनुमान है कि चीन को छोड़कर 1000 मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना नया ठिकाना बना सकती है। ये कंपनियां चीन से निकलने की तैयारी में जुट गई है, जिससे चीन को अपना खजाना खाली होने का खौफ सताने लगा है। चीन ने पाकिस्तान में पोर्ट टनल, रेल रोड और बिजली में भारी निवेश किया है। ऐसे में चीन का टारगेट वैसा भी देश बन सकते हैं जहां उसने मोटे सूद पर कर्ज दिया है अथवा उनमें भारी पैसा लगाया है। चीन इन देशों पर अपनी नीतियां लागू करके अवैध रूप से पैसे की उगाही कर सकता है। पाकिस्तान में चीन की बिजली कंपनियों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।
खास बात यह है कि पाकिस्तान जांच कमेटियों का गठन कर रहा है, मगर जैसे ही उनमें चीन का नाम आता है उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पाक सरकार जानकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा मदरसा जमात को उठाना पड़ रहा है। यानी चीन के चक्र में फंसे पाकिस्तान के बाजे बजने का वक्त आ गया है। अगर मदरसा मुल्क भारत से बच भी गया तो चीन से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाइना इस देश की सत्ता से लेकर फौज और जमीन पर अपनी पूरी पकड़ बना चुका है। संभव है आने वाले वर्षों में बीजिंग में बैठकर कोई चाइनीज रिमोट से पाकिस्तान को चलाता हुआ नजर आए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।